आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के कीवर्ड में थीम कैसे लगाते हैं। जैसे कि गाइस किसी भी बंदे को हम कोई भी मैसेज टेक्स्ट करते हैं, जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट रहता है गाइस, और आप यहां पर अलग से थीम लगाना चाहते हैं थीम लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कीजिए ताकि हमारी इसी तरह के आने वाला हर वीडियो को आप देख सको। तो गाइस सबसे पहले आपको व्हाट्सएप में आना, इसी तरह से जिस बंदा को भी आप सेंड करना चाहते हैं कुछ भी लिख के हाय या कुछ भी, यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है थीम। उसके बाद गाइस जैसे कि यहाँ पर मैंने सारा कुछ हटा दिया, लिखने से पहले गाइस आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ये वाला आइकन सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर गाइस आपको सबसे ऊपर में देखेंगे थीम, और यहाँ पर जितना भी आपको देखने मिल जाता है सारे थीम आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है गाइस। तो मैं नीचे की ओर आता हूँ। जो भी आप थीम लगाना चाहते हैं व्हाट्सएप कीबोर्ड में तो उसको लगा सकते हैं। तो जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर अभी वाइट है तो मैं अभी इसको लगाता हूँ, तो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप ऑफ करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जैसा आप चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो गाइस मैं इसको ऑन ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है अप्लाई का, सिंपली आपको अप्लाई में क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई में क्लिक करेंगे गाइस आपका जो व्हाट्सअप के कीवर्ड में जो है थीम यहाँ से सेट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सअप के कीवर्ड में थीम सेट हो चुका। तो गाइस आप इसी तरह से अपना व्हाट्सअप के कीवर्ड में थीम को सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जरूर आपको कुछ जानकारी मिली है। मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।